सुना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। वाव, व्हाट अ लेग पीस यार। बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। इट्स सो हॉट। क्या बोला? कूल बेबी, मैंने कहा आज कितनी गर्मी है। इट्स सो हॉट। अब कम हुई क्या गर्मी? इडियट। कदर नहीं है टोनी, इन लड़कियों को तेरी कदर नहीं है। जिन गालों पे ये थप्पड़ लगा रही है ना, एक दिन इन्हीं गालों को चुनने के लिए तरसेंगी। टोनी बेटा, मैं तो कह रहा हूँ इनसे माफी मांग ले, क्या पता बात बन जाए। सॉरी मैडम। क्या बात है यार, आज तो बस में बड़ी हरियाली है, अब तो मजा ही आ जाएगा। क्या बात है यार, सब अपने में बिजी हैं, लगता है सो रही है। चांस मारने का अच्छा मौका है। क्या स्किन है यार, जैसे मलमल। क्या सोफे है यार, जैसे रेशम। कर ले मजे, कर ले। वाओ, आज तो तेरी निकल पड़ी टोनी। क्या खुशबू है। क्या कर रहा है? सॉरी मैडम, गलती से हो गया, मेरा बस स्टॉप आ गया। अरे निकल ले टोनी, वरना थप्पड़ों की छोड़ सैंडलों की सील लग जाएगी। कपड़े जल्दी यहाँ से। अरे क्या मजे किए यार, क्या लड़की थी। हाय, करंट लग गया। मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी, मेरी सोने की चेन, मेरा ब्रेसलेट। आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। थैंक यू। आज तो तेरी लॉटरी निकल गई। प्लीज क्या आप मेरे लिए पानी लेकर आएंगे? यस मैम। ओके, थैंक यू। आप इसे संभालेंगे प्लीज? अरे मेरा बाइक किधर गया? ए भाई, अरे मेरा बाइक। बाय बाय बाय, पकड़ो पकड़ो। अरे देखो, चोर चोर। अरे यार, मेरा बाइक चोरी हो गया यार, क्या सर? हेलो, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी ने आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला है, क्या आप मुझे सिर्फ अपने 5 मिनट देंगे?
वो क्या है ना, मेरी बीवी घर पर है और उसे ये सब पॉलिसी वगैरह पसंद नहीं है, वो मुझे आपकी लेने नहीं देगी, मेरा मतलब पॉलिसी लेने नहीं देगी। ओके, क्या वो घर पर है? हाँ, अंदर ही है। कहीं बाहर चले? सुनो। हाँ बोलो। मेरा एक कोरियर आया है, जरा मैं देख के आता हूँ। ओके, जल्दी आना, खाना रेडी है। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना, मैं नहा रही हूँ बाथरूम में। ठीक है ठीक है, छत पे चले। हाँ चले, चलो चलो। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। थैंक्स सर। ये है हमारी पॉलिसी। ये सब तो बाद की बात है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। मैं तुम्हारी हर पॉलिसी लेने के लिए तैयार हूँ, बदले में आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? गिव एंड टेक पॉलिसी। क्या ख्याल है? मैंने कब मना किया? बिजली कहाँ से कड़की? इधर से। अरे ये क्या कर रही हो? अब ये फोटोज तुम्हारी बीबी के पास जाएंगे। अरे मेरी माँ वो ताड़काए जान से मार देगी मुझे। ठीक है, तुम्हारी मुश्किल मैं आसान कर सकती हूँ। कैसे? तुम मुझे 2,00,000 रुपए ला के दो। 2,00,000? हाँ 2,00,000। अब ये कहाँ फंस गया? मरने से तो अच्छा है इस बलत से छुटकारा पाऊं, उसके बाद माफ कर देना मुझे। ये लो और मेरी जान बख्शो मेरी माँ। थैंक्स स्वीटी। अरे यार, किसका मुंह देखा सुबह सुबह काम कर गया। मेरे हाथ की सफाई का कमाल। वाओ, कितना प्यारा है। कूल ना? थैंक्स। ये देख, मेरे सेल्फी का कमाल। माय गॉड, इतने सारे पैसे। और ये देखो, मेरी डेयरिंग का कमाल। स्कूटी। स्कूटी। वाओ, नाइस। यार, कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? हाँ यार, लाइफ में सेटल होना है तो बड़ा हाथ तो मारना ही पड़ेगा। सीरियसली यार, किसी दिन पुलिस के हाथ चढ़ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, यही बात तो सही है यार। छोड़ो सब, हैव अ सिप। गूगल भाई। अरे कितनी बार बोला यार तुम्हें? यार मुझे भाई भाई मत बोला करो, मुझे मुझे बहुत इरिटेट होता है यार। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ हो तुम लोग? कई दिनों से कोई खबर ही नहीं। देखो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त प्लान है।
प्लान? क्या प्लान है? वो सब तो मुझे कल जब आके मिलोगे ना, वो तभी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ओके ओके। गूगल हमें बुला रहा है, पर क्यों? गूगल भाई के पास कोई प्लान है हमारे लिए। ठीक है, कल जाके देखते हैं। अब ये कौन सा प्लान है उसको ही पता है। छोड़ो। नाम गूगल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसी खूबसूरत हसीना से फ्लर्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन कोई ढंग की दिखे तो सही। हे भगवान, आज तो खूबसूरत हसीना से मिलवा दे। आज मेरे अंतर मन में सितार बज रहे हैं। हेलो, कैसे हो? आपका नंबर मिलेगा। हेलो, आप तो बड़ी फिट है। हेलो, यू इडियट, रुक अभी बताती हूँ तुझे। भागो कर, भाग, भाग तेरी इज्जत का सवाल है। अरे भाई ये कटिंग देना। आज तो बेटा बच गया तू, आगे की संभाल। हेलो हेलो, अरे मैं नताशा बोल रही हूँ, कहाँ हो? तुमने मुझे बुलाया था, मैं कब से वेट कर रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ। ये फिर आ गई। कहाँ रह गया यार? सच में ना, हमें बुला के खुद गायब है। हमें बुला के खुद की खबर नहीं है। नाम गूगल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। जनाबे आली, कहाँ रह गए थे आप? हमें बुलाकर खुद गायब हो? कितना वेट कर रहे थे हम लोग। सबर करो सबर करो, बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। प्लान पक्का ना हो तो जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। देखो गूगल भाई, खाने पीने टाइम वेस्ट मत करना। कितने टाइम से हम लोग छोटी मोटी चोरियां करके थक गए हैं। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे भाई भाई मत बोला करो। बताता हूँ, प्लान तो है लेकिन थोड़ा रिस्की है। सच्चा बहादुर वही जो बीच समुंदर में जाए और मछलियाँ पकड़े। किनारे पे बैठ के कांटा डालने वाले को बहादुर नहीं कहते। अब आगे का प्लान बताओ। इन्फॉर्मेशन पक्की है। यह है कॉरपोरेट जगत के मशहूर बिजनेसमैन, मिलेनियर करण ओबराय। इन्हें कौन नहीं जानता, काफी हैंडसम है। मैंने तो सोचा था कोई बुड्ढा होगा। प्लान क्या है? प्लान प्लान ये है कि करण ओबेराय बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुंबई आ रहा है, तो बिजनेस मीटिंग के बाद वो पार्टी अटेंड करेगा। पार्टी ऑर्गेनाइजर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैं उससे कहलवाकर तुम तीनों की एंट्री करवा दूंगा। उसके बाद करण ओबेराय को कैसे अपने खांचे में उतारना है
ये काम तुम तीनों का होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चिटकियों का काम है, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। ये हुई ना बात, तो डील डन। डन 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 डन। अच्छा मौका था, इतना अच्छा मौका था करण को अपने जाल में फंसाने का, और तुम लोगों ने सब चौपट कर दिया। इतने करीब पहुंचने के बाद भी तुम करण जौहर को अपने खांचे में नहीं उतार पाए। करण जौहर नहीं गूगल, करण ओब्रॉय। अरे ओब्रॉय हो या जौहर, लेकिन उतार नहीं पाए ना है। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था?
प्यार प्यार अरे मेरी आवाज इको साउंड जैसी आ रही है। प्यार प्यार प्यार। ए रूबी मेरी आवाज की कॉपी मत कर। लगता है मुझे करण से प्यार हो गया यार। ये मुंह और मसूर की दाल, मुझे करण से प्यार हो गया है। देख रूबी प्लीज यार, मेरी इमोशंस के साथ मजाक नहीं, मुझे करण से सच्चा प्यार हो गया है। आईने में अपनी शक्ल देखी है तानिया? तूने अपनी शक्ल देखी है क्या? अपनी औकात में रहे। क्या बोली, औकात की बात करती है हाँ? और दूंगी। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों, पागल हो गए हो क्या? अरे यार क्या कर रही हो आप लोग हैं? तानिया भगवान के लिए शांत हो जाओ यार हैं? तुम लोग उस आदमी के लिए लड़ रहे हो जो हमसे कोसों दूर है, हैं? क्या फायदा उसका? बस मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। अरे, अरे हाँ जा, तुझे कौन रोक रहा है? अरे यार रूबी रूबी रूबी, अरे रुको तो सही। समझती क्या आप लोग को? तानिया क्या जरूरत थी उसे लड़ने की? लड़ाई उसने शुरू की थी, मैंने नहीं। अरे तो तुम चुप हो जाती? मैं क्यों चुप हो जाऊं? मेरे और करण के बीच में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हा? तो सुन लो तानिया, प्यार तो मैं भी करण से करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ उससे शादी करना, अपना घर बसाना। आखिर ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मैं। वाह क्या बात है, तू भी करण की दीवानी। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर करण मेरा नहीं हो पाया ना तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। चैलेंज कर रही हो? चैलेंज, और मैं जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, गुड बाय। जा रही हो तो जा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, ईंट मारोगे तो पत्थर खाओगे। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो क्या? मुझे टैक्सी या कैब नहीं मिल रही है, मैं बहुत टाइम से खड़ी हूँ यहाँ पे। सो प्लीज कम। थैंक यू। अगर मैं सही हूँ तो आप वही लड़की है ना जो उस दिन पार्टी में भी थी? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपने मुझे पहचान लिया इसलिए। वो तो मैं आपको तभी पहचान लिया था जब आप मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। उस दिन आप पार्टी में बड़ी चुप चुप सी थी। आपको देख के बहुत नर्वस थी। क्यों? एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको जाना कहाँ है? कहीं नहीं जी, मेरा मतलब है बस सामने ही जाना है। हेलो, हाँ संतोष, हाँ 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 शाम में मिल रहा हूँ ना, चल अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। कोई खास था क्या? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड संतोष। ओके। बस सामने रुक दीजिए। थैंक यू। वेलकम। शिट, ये क्या लग गया है? सॉरी, आई थिंक वो गाड़ी सर्विस में गई थी, वहीं से कुछ लग गया होगा। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? आपके पास और कपड़े हैं? एक्स्ट्रा कपड़े तो है शायद। ठीक है आप बाहर जाइए, मैं चेंज करती हूँ। ओके ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। फाइल्स है, इसमें आपके सिग्नेचर्स चाहिए।
थैंक यू सर। सर एक रूबी नाम की लड़की आपसे इंटरव्यू के लिए मिलना चाहती है, क्या मैं उसे भेज दूं? ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो, ये मैं चेक करके देता हूँ। ओके सर। आई थिंक उस दिन आप पार्टी में, वैसे पार्टी में फासले कुछ ज्यादा ही थे, मैं तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे यहाँ? आर यू क्रेजी? यस, क्रेजी अबाउट यू। आप यहाँ जॉब के सिलसिले में आई है ना? जॉब तो एक बहाना है, मुझे तो आपकी बाहों में आना है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर मल्होत्रा लाइन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज उनसे बात कर लीजिए। सर ये मेरा रिज्यूम है। मैं बात करता हूँ। जो उस दिन पार्टी में? हाँ वही हूँ। मेरे मेरे दूर के रिश्तेदार मेरी शादी करा रहे हैं, वो भी एक बूढ़े आदमी से। देखिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पास में मेरा फार्म हाउस है, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ ठीक है, आइए। तुमसे मिलती हूँ प्यार बढ़ता ही जाता है, और मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ तुम ही तुम बस गए। आई लव यू करण, आई रियली लव यू।
में बस गए हो करण, मेरी जिंदगी की राह की मंजिल तुम ही हो करण, मेरी हर सांस में, मेरी रूह में तुम हो, सिर्फ तुम। आई लव यू करण, आई लव यू। छोड़ लेना कतरे कतरे में अगर तू ना मिले तो बेशक मुझे छोड़ देना। कैसा नशा छाया, कैसी खुमारी है, दिल खो गया है मेरा, कैसी बीमारी है। कैसा नशा छाया, कैसी खुमारी है, दिल खो गया है कैसी बीमारी है। हो रही प्यार की शुभ मुहूर्त है, तेरी जरूरत है मुझे सांसों से पहले, तेरी जरूरत है मुझे सांसों से पहले, तेरी जरूरत है। को कुछ तो काबू में कर ऐ दिल, अभी तो पल की छुकाई है, मुस्कुराना भी बाकी है उनका। तन मन का हो मिलन, बुझे दिल की ये अगन, जीना लगे तेरे बिन, बीत जाए ये बिछड़न। ओ तन मन का हो मिलन, बुझे दिल की ये अगन, जीना लगे तेरे बिन, बीत जाए ये बिछड़न। मेरे मन के मंदिर में तेरी ही मूर्त है, तेरी जरूरत है मुझे सांसों से पहले, 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 तेरी जरूरत है।
करण ओब्रॉय का मर्डर, ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, करण के साथ ये किसने किया होगा? रूबी फोन उठाओ। अरे सो रही हो क्या? कहाँ मर गया है ये लोग? मरवा डालेंगे मुझे हैं? फोन उठा नताशा, फोन उठा। हेलो। हाँ हेलो नताशा, कहाँ सो रही थी तुम? क्या हुआ? तुम्हें मालूम है खबर बहुत भयानक है, करण ओब्राय का मर्डर हो गया है। क्या? हाँ, किसी ने करण ओब्राय की हत्या कर दी है और पुलिस घटना स्थल तक पहुँच चुकी है और जांच जारी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। Oh my God। मैं आ रहा हूँ। है करण ओब्रॉय का मर्डर, ये कैसे हो गया? किसने किया होगा? ओह नो। रश्दी सर, आप बड़ी रोटी बनाती। The object replacing। सावली से एक ब्रेकिंग न्यूज, कल रात किसी ने करण ओब्रॉय की उन्हीं के निवास स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और छानबीन चालू है। पुलिस इस बात का पता लगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इस तरह अचानक करण ओब्रॉय की हत्या किसने कर दी है। सारा शहर इस घटना से बुरी तरीके से भयभीत हो चुका है कि अगर मशहूर उद्योगपति करण ओब्रॉय की इस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो जाती है तो इस शहर में एक आम आदमी कहां तक महफूज है। इस घटना की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। Oh my God। बनी रही है हमारी। करण का मर्डर, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। करीब 12 बजे के आसपास मशहूर बिजनेसमैन करण ओब्रॉय की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस अपना काम कर रही है और वहीं फॉरेंसिक विभाग भी अपना काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पुलिस हत्यारे को गिरफ्त में ले लेगी। सर प्लीज, करण के घर वालों की कोई खबर? उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है और वो यहाँ के लिए निकल चुके हैं। कोई आपसी रंजिश? मैंने कहा ना, हर एंगल से तफ्तीश जारी है। आपको क्या लगता है हत्यारा कौन हो सकता है, घर का या बाहर का? मैंने कहा ना, तलाश जारी है और जल्द से जल्द उस हत्यारे को हम पकड़ लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो देखा आपने, पुलिस अपना काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सारे जगह की छानबीन अच्छी तरह से करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। सारे सबूत इकट्ठे कर लो। इस बंगले का केयरटेकर कौन है? सर पांडे जी। अभी कहाँ मिलेगा? सर बाहर। चलो। हाँ हेलो। पांडे जी हो? जी सर, हम पांडे जी, हम इस फार्म हाउस के केयर टेकर। हम ही ने सबसे पहले मालिक को देखा था। कल तुम कहाँ थे? हम अपने घर पे थे। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो यहाँ थी। साहब ने हमें छुट्टी दे दिया था, कुछ दोस्त यार आ रहे हैं, पार्टी सार्टी करना है, तुम घर जाओ, और हमें भेज दिया। अच्छा, तुम्हारे सामने कोई आया था? जी नहीं साहब, कल कोई नहीं आया था।
अच्छा कल से पहले कोई आया था? साहब एक सप्ताह से यहाँ है, कई दोस्त उनके आते जाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है? उसका होता है साहब। सर हमने पूरा फार्म हाउस चेक कर लिया है, अंदर बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। अच्छा ये बताओ कोई यहाँ लड़की भी आई थी? जी नहीं साहब। कम ऑन फॉलो मी। मम्मी जी भैंस पूछ उठाकर दूध नहीं देती। इसका टचम्पर। कल रात किसी ने करण उबराय की उन्हीं के निवास स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। कौन? मैं रूबी बोल रही हूँ। मैं तानिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ओके आप जल्दी आइए। ओके इंस्पेक्टर मैम, यही है तानिया, करण की कातिल। करण की हत्या के जुर्म में तुम्हें शक के बिना पर गिरफ्तार किया जाता है। क्या मजाक है ये? यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने करण का कत्ल नहीं किया है। तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। पर... कांस्टेबल ले चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने नहीं किया उसका खून। छोड़ो मुझे। बड़ी आई करण से प्यार करने वाली, अब देखते हैं कैसे बचती है। ओह तानिया मैडम, बता तूने करण को क्यों मारा? मैंने करण को नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। तुम उस रात वहाँ क्या करने गई थी? करण सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर जाने वाले थे, इसलिए मैं उसे मिलने गई थी। तुम करण को जानती कैसे हो? हम लोग पहली बार एक पार्टी में मिले थे, तभी मुझे उससे प्यार हो गया, और उसे भी मुझसे प्यार था, बहुत प्यार। तुम झूठ बोल रही हो। ये झूठ नहीं है सर, ये सच है। सच है सर। करण के साथ उस रात उसके घर गई, पार्टी की, रंगरलिया मनाई, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मर्डर नहीं किया उसका। यही सच है ऑफिसर। यस सर। इसके फिंगरप्रिंट्स लो और जांच के लिए भेजो। यस। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यस सर। ले जाओ। चल ज्यादा नाटक नहीं। यस सर। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई कि नहीं? यस सर, फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है सर। सर तानिया के फिंगरप्रिंट्स सर के बाल मैच नहीं हो रहे। अच्छा, हो सकता है तानिया के साथ कोई और भी हो। सर वो तो तानिया ही बता पाएगी। पता करके बताओ। ओके सर। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और सर के बाल मैच नहीं हो रहे, और कौन हो सकता है वहां पर? और कौन? वही जिसने मुझे यहाँ पे पहुंचाया। कौन? रूबी? हाँ। तुम बदले की भावना से बोल रही हो। मैम आप उसके बाल और फिंगरप्रिंट्स मैच करवाइए। जरूर मैच होंगे, और खून उसने किया है। आपने मुझे बुलाया सर? रूबी आपको कुछ टेस्ट देने होंगे। इंस्पेक्टर। यस सर। इनको ले जाओ। चलो। अच्छा देखो उस केस पर ध्यान दो और मुझे बताओ, समझे? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फिर से फोन करता हूँ।
करण का मोबाइल, लैपटॉप, वो सब गायब है। सर हमारी खोजबीन जारी है सर। करण का मोबाइल, लैपटॉप आखिरी बार उस घटना स्थल पर ही बंद हुआ। अच्छा, वहाँ पर जितने मोबाइल ऑन थे उन सभी मोबाइल के नंबर को ट्रेस करो। यस सर। हेलो, ओके ओके, थैंक यू सर। ग्लास पर जो फिंगरप्रिंट और लिपस्टिक के निशान मिले हैं वो रूबी से मैच करते हैं। गुड, अरेस्ट हर। बोल, अरे मुंह खोलना। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मौका है वारदात पर, तेरे फिंगरप्रिंट और लिपस्टिक के निशान मिले हैं। क्यों मारा था करण को? किसने सुपारी दी थी? मेरा विश्वास कीजिए मैम, मैंने करण को नहीं मारा। मैं तो उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। तुम उस रात उसके घर क्या करने गई थी? उसने मुझे कॉल करके बुलाया था। कैसे जानती हो तुम करण को? हम एक पार्टी में मिले थे, तब से मुझे करण से और करण को मुझसे प्यार हो गया था। तुम उस रात करण के घर गई, पार्टी की और फिर उसका मर्डर कर दिया। क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने करण को नहीं मारा। आप लोग क्यों नहीं समझते, मैं उससे प्यार करती थी। सर घटनास्थल पर जो बाल मिले हैं ना रूबी से मैच हो रहे हैं ना तानिया से। इसका मतलब है कोई तीसरा भी है। जी सर। आओ चलो पता लगाते हैं। हेलो, तुम्हारा तीसरा कोई साथी भी है क्या? अगर तुम दोनों ने करण ओबराय का मर्डर नहीं किया तो तीसरा कौन है जिसने करण ओबराय का मर्डर किया? बोलो। नताशा, नताशा, चुपचाप अंदर चल। छोड़ो मुझे, आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा ना चल। मैंने अब मजे कर अपनी सहेलियों के साथ। सर उस रात घटनास्थल पर जो मोबाइल नंबर स्विच ऑन थे वो ट्रेस हो गए हैं। गुड, पता करो किसके हैं। सर वो तीनों नंबर इन तीनों देवियों के हैं। मतलब उस रात तीनों वहाँ थी। जी सर। तीनों को करण से प्यार है और तीनों करण से शादी करना चाहती थी, ये क्या चक्कर है? ये जो बाल के सैंपल मिले हैं वो नताशा के बालों से मैच कर रहे हैं। ओके सर। अब चलो तीनों से एक साथ पूछताछ करते हैं। यस सर। मैडम, करण मुझसे प्यार करता था। करण मुझसे प्यार करता था? मैडम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरा करण मुझसे प्यार करता था। ठीक है माना कि करण तुम तीनों से प्यार करता था, मान लिया। तुम लोगों ने करण को मारा क्यों? करण को मैंने नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी मेरे करण को? मेरा करण मुझसे दिलो जान से प्यार करता था। ओह, इसका मतलब है कि तुम तीनों ने करण को मारा है। सच सच बताओ वरना तुम तीनों की चमड़ी उधेड़ दूंगी। ऑफिसर। यस सर। इन तीनों से सच्चाई का जल्द से जल्द पता लगाओ। यस सर। ओके ओके। बोलो। आप? मैं कोमल ओबरॉय, करण ओबरॉय की पत्नी। किसने मारा है मेरे पति को? मैडम हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमने शक के बिना पर तीन लड़कियों को अरेस्ट किया है, पूछताछ जारी है, जल्दी कातिल आपके सामने पेश होगा। मैं उन तीन लड़कियों से मिलना चाहती हूँ। अच्छा आइए।
अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो। आइए, ये है वो तीनों लड़कियां जो शक के घेरे में हैं, और ये हैं कोमल ओबराय, करण ओबराय की पत्नी। आखिर क्यों मारा तुमने मेरे पति को? बोलो, जवाब दो। शाम की फ्लाइट है, चलिए फिर सिंगापुर में मिलूंगा। हाँ नताशा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्या करण, तुम शहर से बाहर जा रहे हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे बाबा, कुछ दिनों की बात है। अब कैसे कटेंगे मेरे दिन और मेरी रातें? इतना प्यार करती हूँ मुझसे? हाँ। वक्त क्यों बर्बाद करें? झगड़े के दूसरे दिन ही
मैंने उससे कार में लिफ्ट मांगी। करण से मिलने के लिए मैंने पहले तो उसकी गाड़ी की सीट बेल्ट में ग्रीस लगा दी और प्लानिंग के अनुसार उससे लिफ्ट मांगी और बाद में टॉप गंदा होने के बाद इसे चेंज करने का बहाना करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर और उसने भी मुझे जी भर के प्यार किया, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है। और मर्डर वाले दिन मैं करण से मिलने उसके फार्म हाउस पहुंची। चली जाऊं तब तुम खोलना। मैं तो करण को सचमुच प्यार करने लग गई थी, लेकिन उसने लेकिन तू कैसे मिली रूबी? करण को कैसे मिली? जिस रात हमारी लड़ाई हुई उसके अगले ही दिन मैं उसके ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचकर मैंने सीधे करण को प्रपोज कर दिया और कहा कि मैं उससे पहली ही नज़र में दिल दे बैठी हूँ। पहले तो मुझे लगा वो बड़ा सीधा साधा है, मगर कुछ ही पल बाद उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और ऑफिस में ही वो मुझे बेतहाशा प्यार करने लगा। मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरा है। मैंने भी उसे भरपूर प्यार किया। मर्डर वाले दिन जब मैं करण से मिलने फार्म हाउस पहुंची, तुम जा रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अभी काम है तो जाना तो पड़ेगा ना। मुझसे तुम्हारी ये दूरी नहीं सही जाएगी। तो एक काम करो, आज मुझे इतना प्यार करो कि जितने दिन भी मैं बाहर रहूं मुझे तुम्हारी कमी महसूस ना हो।
प्लीज रोना धोना बंद कर दो, चुप हो जाओ। हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे? चले असली कातिल कौन है? शायद कोमल ने मरवाया होगा उसकी प्रॉपर्टी के लिए, या फिर प्रॉपर्टी हथियाने का मैटर। व्हाटएवर, जो भी हो हमें वहां जाके ही पता चलेगा। तो चलो, अब यहाँ देर करना और मुनासिब नहीं है। चलो चलो। छूटे छूटे नहीं, जेल तोड़कर आए हैं और अब तुझे तोड़ेंगे। पकड़ इसको। पांडे जी बचाओ। चुप। पांडे जी चुप। अब छोड़ दे नताशा, अब चिल्लाने दे उसको। चिल्ला, कितना चिल्लाना है तुझे? मुझे मत मारो, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मारा तूने अपने पति को? क्या बात करती हो, मेरे देवता समान पति को मारकर मुझसे पूछ रही हो? देवता समान पति? तेरे पति तो अय्याश थे, समझे तू? तुम सब झूठ बोलते हो। पुलिस भी कहती है कि मेरे पति। तुम लोगों ने ही उन पर डोरे डालकर उनको फंसाया होगा। देखो कैसे सती सावित्री बन के बैठी है यहाँ पे। अपने पति को मार दिया और हमें फंसा दिया, लेकिन हम तुझे इस साजिश में कामयाब होने नहीं देंगे। तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है। प्रॉपर्टी हथियाने का मैटर अब तो कहीं की नहीं रहेगी। कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तुम लोग? वो सब तो शादी के बाद ही, बरसों पहले करण ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। सारे शेयर्स, बैंक अकाउंट, घर, ऑफिस, बंगला, सारी जायदाद की मालकिन तो उस फरिश्ते ने मुझे बरसों पहले ही बना दिया था। हमेशा कहते थे कि ये बिजनेस, ये लो, एक दलदल है, तुम इस कीचड़ से दूर ही रहो, मुझे ही इसमें रहने दो। इस कंपनी को इतना नाम, शोहरत और ऊंचाइयां जिसने दिलाई वो मेरे पति ही थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का, बताओ? सबूत? सबूत चाहिए तुम लोगों को? हाँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स। अगर तुमने करण को नहीं मारा, हम लोगों ने भी करण को नहीं मारा, तो करण को मारा किसने? दरवाजे से निकल जाओ। हम तीनों को नहीं पकड़ोगे तुम? क्योंकि मुझे तुम लोगों की बातों पर विश्वास हो गया है।
कि तुम लोगों ने मेरे पति को नहीं मारा। सुनो, हम लोग चलते हैं। जाओ। सुनो, हाँ? मेरे पति के कातिल को छोड़ना नहीं। देवता समान पति, तेरे पति तो अय्याश थे, समझे तू? आपने हमें बुलाया मालकिन? हाँ पांडे जी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। सच बताइएगा, क्या करण से मिलने यहाँ लड़कियाँ आती थी? हाँ मालकिन, हमें माफ कर दीजिए। आप हमारे यहाँ बरसों से हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप सच कह रहे हैं? बोलिए बोलिए पांडे जी। मालिक से मिलने यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती थी मालिक। बाकी है अभी तुझ में सिमटी जाऊं मेरी रूह में आए तू भी। रात बाकी है अभी प्यास बाकी है अभी तुझ में सिमटी जाऊं मेरी रूह में आए तू भी। हमने है इस कदर लगा।
के खाए हुए नमक का हक अदा करना था मालती। चलो ये अच्छा हुआ कि चारों बिछड़े हुए दोस्त फिर से मिल गए। कोमल ने करण को नहीं मारा है। वो तो सचमुच देवी है। अगर कोमल ने करण को नहीं मारा, हम तीनों ने भी करण को नहीं मारा, तो करण को मारा किसने? अरे यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? दो दो पैग लगाओ है? दिमाग की बत्ती जलाओ। तीनों के मोबाइल तो पुलिस के पास है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे मोबाइल पुलिस के पास है। अगर तुम्हारे मोबाइल तुम्हारे पास होते तो पुलिस उन्हें ट्रेस कर लेती और तुम तक पहुंच जाती। एक काम करो तानिया, ये मोबाइल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। इसमें विक्रम का एड्रेस है जो करण का खास है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत मुझे डायल करना। अगर करण के कातिल को पकड़ना है तो हम लोगों को विक्रम के घर ही जाके कुछ क्ल्यू मिलेगा। तू सही बोल रही है तानिया। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ आओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तुम यही रहो। हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया है। ये पकड़ो और ये कपड़े। तुम तीनों जाके फ्रेश हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। सुनो, तुमको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में रहना। ओके चलो। वाह गूगल, आखिर तूने विक्रम का पता लगा ही लिया है? मैंने सारा काम कर दिया है। हाँ हाँ, मैंने यहाँ से सारे एविडेंस क्लियर कर दिए हैं। अब किसी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ हाँ, वो फाइल भी मैंने सारी क्लियर कर दी है। अरे टेंशन मतलब संतोष। हाँ संतोष। यस संतोष, बोलो संतोष। जेल से कब छूटे? छूटे नहीं, भाग कर आए हैं। लास्ट नंबर डायल कर। डायल कर। कौन सा नंबर? बोला डायल कर। बोला चल डायल कर, वरना मारू गोली। करता हूँ। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ संतोष। हाँ बोला विक्रम, क्या हुआ? बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन किया। क्या बात है विक्रम? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बोला ना तुमसे मिलने को मन कर रहा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? आ जाओ वर्सोवा वाले फार्म हाउस पर, ऐश करेंगे। अरे चल, कौन सा एड्रेस? एड्रेस लिख। चल एड्रेस लिख जल्दी। एड्रेस लिख, मारो गोली। वेलकम देवियों, आपका हमारे ड्रैगन विला में स्वागत है। मेरे अल्फाज बेअसर हैं, जरा ठहरिए, धड़कने सुनाती हूँ। कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। जिसको सूरज मेरी चौखट से मिला, वो उजाले हमें खैरात में देते हैं। तुम? हाँ, मैडम संतोष जोशी। मैडम संतोष जोशी, तुम्हारे करण ओबेरॉय की पर्सनल सेक्रेटरी और उसकी जिगरी दोस्त।
जेल से तो तुम तीनों भाग निकले, लेकिन यहाँ से निकलना असंभव। बहुत भगाया तुमने, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? तुम तीनों का गेम ओवर करने से पहले बता दूं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं तो तुम तीनों की रूहें तड़पेंगी ये जानने के लिए कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तुम तीनों की तरह करण से मेरे भी जिस्मानी ताल्लुकात थे, जिसे मैं उसका प्यार समझ रही थी। ऑफिस हो या फार्म हाउस, हम दोनों प्यार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मैं करण से बे इंतहा प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं उससे शादी की बात करती थी वो मुझे मना कर देता था और कहता था कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं समझ चुकी थी कि करण मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में छोटे मोटे झोल करने लगी और अपनी कीमत वसूलने लगी। मैंने करण से कह के अपने बॉयफ्रेंड विक्रम को कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब लगवा दी और उसके बाद मैं और विक्रम कंपनी में छोटे मोटे कबन करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उसी रात करण का मुझे फोन आया। एक मिनट विक्रम, मुझे किसी का फोन आ रहा है। प्लीज डार्लिंग, कम ऑन। जानो किसी का फोन आ रहा है, प्लीज मुझे देखने दो। एक मिनट, करण का फोन आ रहा है। शिट। हेलो। हेलो संतोष। हाँ करण। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। तुम अभी एक काम करो, मेरे फार्म हाउस आ जाओ। क्या? आ जाओ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मुझे इस विक्रम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, क्या पता चल चुका? पहले आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके, जल्दी आओ। हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? करण को हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में की गई गड़बड़ी का पता चल चुका है। शिट। अब क्या बोल रहा है वो? अब क्या, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर मैं ना हूँ तो फिर तुम आ जाना। ठीक है? ठीक है। ठीक है डार्लिंग, मुझे जाना होगा। हाय करण, क्या हुआ? ये देखो, इस विक्रम ने क्या किया है। अभी के 50 लाख के अलावा उसने मेरे पूरे 10 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट से निकाल लिए। कूल डियर, पहले ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं। देखो संतोष, ये चैप्टर हम दोनों के बीच पहले ही खत्म हो चुका है। मैं कोमल को नहीं छोड़ सकता। तो क्या मैं तुम्हारी रखेल बनकर पड़ी रहूं? हम दोनों के बीच आज तक जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है। तो फिर अकाउंट्स की गड़बड़ी की बात भूल जाओ। संतोष, मैं अपनी अय्याशी को और अपने बिजनेस को कभी मिक्स नहीं करता, और अगर इसके लिए मुझे पुलिस के पास भी जाना होना तो मैं जाऊंगा। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्यार से समझती हो तो समझ लो, वरना ये धमकी ही समझो। वाह गुरु वाह, चित भी तेरी और पड़ भी तेरी। तेरे दोनों हाथ में लड्डू और हमारे हाथ में ठन ठन गोपाल। तुम्हें याशी भी करनी है और उसकी कीमत भी नहीं चुकानी है, ये तो बड़ी गलत बात है। अब तू मुझे सिखाएगा, तुझे अभी बताता हूं मैं। तू भी
ये सब हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था। इसका तो काम तमाम हो गया, अब आगे क्या करना है? अब एक काम करो, करण का लैपटॉप और मोबाइल दोनों स्विच ऑफ कर दो और यहाँ से ले चलो, क्योंकि हमें यहाँ कोई भी क्लू नहीं छोड़ना। ठीक है। अब देख, देख कैसे मैं तुम तीनों को चुन चुन के मारता हूँ। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस संतोष जोशी, आपके पास क्या सबूत है? सबूत यहाँ है, माम गूगल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तुम्हारी पूरी राम कहानी तुम्हारी ही जुबानी इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है। जब तुम तानिया को अपनी कहानी बता रही थी तो तानिया ने चुपचाप मुझे फोन लगाया और मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को लेकर यहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर साहिबा, लीजिए सबूत और गिरफ्तार कर लीजिए, इसमें इनकी सारी बातें रिकॉर्ड हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमें सब कुछ पता चल चुका है, आप तीनों बेकसूर हैं। हमारा कानून बेकसूरों को सजा कभी नहीं देता। थैंक यू मैम। रूबी, नताशा, तानिया, अरे कोमल जी आइए आइए प्लीज। अरे हाँ, मैंने इनको खबर की थी और ये तुम लोगों से यहाँ मिलने आई हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद करिएगा। आपके पति जैसे भी थे आपसे बहुत प्यार करते थे। मेरा एक काम करोगी? हाँ जरूर। करण तो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम उनकी जगह उनके बिजनेस को संभालोगी प्लीज? कनेक्ट कर ले।